आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। और वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग की ये हमारी आई थिंक तीसरी या चौथी क्लास है। दो क्लासेस को इंट्रोडक्शन चली गई थी इसकी वीवीए फंडामेंटल्स की, और कल हमने रिकॉर्डिंग माइक्रो और रिकॉर्डिंग माइक्रो पे जो एडिट होता है उसके बारे में हमने सीखा था। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि हाउ कैन क्रिएट द माइक्रो, आप अपना पहला माइक्रो कैसे क्रिएट करेंगे, आज की हमारी एग्जाम्पल बताया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और आज की जो वीडियो है यूट्यूब पे जाएगी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। नहीं किया हुआ है तो जल्दी से कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं स्क्रीन दे रहा हूँ, हम बात करने जा रहे हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। जैसे कि शुरुआत में हमने बताया था आपको, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि माइक्रो प्रोग्रामिंग करने से पहले आपके पास डेवलपर टैब होना चाहिए, उसके बाद माइक्रो सिक्योरिटी को एनेबल कर दीजिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट डिसेबल विथ नोटिफिकेशन होता है, इसको एनेबल कर दीजिए। एंड इसके बाद आपके पास इस फाइल को सेव करना होगा .xlsm, मतलब कि माइक्रो एनेबल वर्कशीट में। ये तीन चीज कर लीजिएगा एवरी डे। उसके बाद हम विजुअल बेसिक पे क्लिक करते हैं। देखिए विजुअल बेसिक का जो अभी ऑप्शन दिखा है, ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं वीवी एडिटर। ये अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ता है, ये आपके एक्सेल के साथ इनबिल्ट होता है। ओके, जब इसको आप ओन करते हैं तो इसके तीन पार्ट है। पहला पार्ट होता है आपका प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, दूसरा आपका आता है प्रॉपर्टी, और तीसरा आता है कोड विंडो। तो जैसे कि आपने वो फाइल खोल रखी होगी, वो फाइल का पूरा लिस्ट दिखेगा, और वहां यहाँ पे फाइल की पूरी लिस्ट दिखेगी आपको, और जितनी सीट्स होंगी वो सीट्स के नेम दिखेंगे। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको डबल क्लिक कीजिए यहाँ पे, यहाँ आपको प्रोग्राम आ जाएगा। जिस ऑब्जेक्ट पे डबल क्लिक करेंगे उस ऑब्जेक्ट का कोड विंडो खुल के आ जाएगा। देखिए क्या होता है, वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग हम राइट करते हैं तो हमें बताना होता है कि कोडिंग स्टोर कहाँ हो जाए। अगर हमने किसी सीट के ऊपर डबल क्लिक किया तो सीट वन की प्रॉपर्टी में कोड स्टोर होगा, मतलब किसी ने अगर सीट वन को डिलीट कर दिया तो गया कोड आपका। सीट टू सीट थ्री भी ऐसे ही होता है। तो कोड कहाँ करें, तो हम कोड करते हैं मॉड्यूल की। अब एक और प्रॉब्लम होती है कि कभी कभी क्या होता है कि ये दोनों विंडो नहीं होता। इसको लाने के लिए आप यहाँ देखिए F2 इसका शॉर्टकट होता है, इसका तरीका प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर का कंट्रोल R होता है, और ये आपकी प्रॉपर्टीज का जो होता है वो होता है F4। यहाँ से भी क्लिक करके ला सकते हैं, यहाँ पे व्यू से भी आप उस चीज को ला सकते। ओके, समझ में आया आपको? सर मुझे एक क्वेश्चन है यहाँ पे। कल की जो क्लास में आपने रिकॉर्डिंग के बारे में बात की थी, जब हम सेव करते हैं रिकॉर्डिंग, तब वो ऑप्शन पूछता है कि आपको सेव कहाँ करना है, लाइक न्यू वर्कबुक और पर्सनल माइक्रो वर्कबुक और दिस वर्कबुक। तो वो उसका मतलब कैसे, तीन तीन चीजों में से कैसे समझाता हूँ, उसके लिए आपको सीखना होगा टाइप ऑफ माइक्रो। ओके ठीक है, दो मिनट वेट कीजिए। तो हम जो माइक्रो प्रोग्रामिंग करते हैं कहाँ करते हैं, मॉड्यूल्स पे करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि मॉड्यूल्स में जो माइक्रो रन होती है होती है फाइल की प्रॉपर्टी में सेव होता है। जैसे आपकी फाइल की प्रॉपर्टी चेंज होगी ये आपका काफी सारी चीजें भी चेंज होगी। हेलो, तो हम यहाँ इसके मॉड्यूल्स पे डबल क्लिक करते हैं, यहाँ से इंसर्ट से नया मॉड्यूल ऐड करते हैं, और यहाँ पे नेक्स्ट सब्जेक्ट माइक्रो का नाम देखा ब्राइकेट ओपन क्लोज, और जो भी हमें लाइन ऑफ कोड लिखना है इसी के अंदर लिखना है। ये जो माइक्रो बना है इसको बोला गया पब्लिक माइक्रो। माइक्रो पब्लिक का चलिए हम जानते हैं माइक्रो के बारे में, टाइप ऑफ माइक्रो के बारे में। जैसे आप रिकॉर्ड करते समय अभी भी वैभव जी ने पूछा कि पूछता है कि स्टोर, तो ये माइक्रो स्टोर करने का ए है। इसमें दिस वर्कबुक, न्यू वर्कबुक एंड माइक्रो, अगर आपने दिस वर्कबुक कर दिया तो जो आपका माइक्रो है इसी में सेव होगा, अगर आपने न्यू वर्कबुक कर दिया तो इसकी जो कोडिंग है उसके लिए एक नया फाइल क्रिएट करके उसमें सेव कर दिया।
इसका यूज हम कब करते हैं, जब हमें एडिंग बनाना होता है, जब हमें एडिंग बनाना होता है तब इसका इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे आता है प्रोसेसर माइक्रो वर्कबुक। अब ये क्या होता है, अब हम आपको टाइप ऑफ माइक्रो के बारे में समझाते हैं। देखिए माइक्रो बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक माइक्रो आपका होता है पब्लिक माइक्रो, जो कि हमें आप रिकॉर्ड करते समय अगर आपने सेलेक्ट कर लिया दिस वर्कबुक, या फिर आप मॉड्यूल के अंदर जाके कुछ भी कर लिया, हमने लिख दिया MSG वर्क। हाँ, तो ये जो मैक्रो बना, ये क्या बना, ये हमारा पब्लिक मैक्रो बना, मतलब कि इसको हम रन कर सकते हैं। पब्लिक का मतलब ये हुआ कि पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर मान लीजिए एक भुगवान मैं अगर आपको भेज दू, बैभव जी को भेज दू या अनिल जी को भेज दू, तो वो लोग भी इस मैक्रो को रन कर सकते हैं। तो पब्लिकली इस मैक्रो को कोई भी रन कर सकता है, दैट इज द पब्लिक मैक्रो। इसका एक और बेनिफिट क्या होता है कि अगर मान लीजिए इस मैक्रो को मुझे किसी और फाइल में, जैसे हमें बुक टू में ओपन करना होगा, तो हम बुक टू में भी इस मैक्रो को रन कर सकते हैं। तो लेकिन इसका एक ड्रॉबैक क्या है कि आपकी जिस फाइल में मैक्रो क्रिएट की गई, जिस फाइल में मैक्रो सेव हुआ है, वो फाइल आपका क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। अगर वो फाइल आपका ओपन नहीं है तो फिर आपका मैक्रो लिस्ट में आपका मैक्रो शो ही नहीं करेगा। तो पब्लिक मैक्रो जब आप रिकॉर्ड करते हैं उसमें दिस वर्कबुक, या फिर आप मॉड्यूल में कोड करते हैं, दैट इज द पब्लिक मैक्रो। समझ आ गया कि आपको वैभव जी, अनिल जी, निकिता जी, कुछ डाउट इसमें? नहीं सर, नहीं समझ में आया एक्चुअली। अगर हम पर्सनल मैक्रो बुक करते हैं तो वो दूसरे फाइल में कैसे ओपन हो सकता है? अभी मैंने पर्सनल के बारे में नहीं बताया, मैं पब्लिक समझा रहा हूँ। पब्लिक समझ आया आपको? हाँ, पब्लिक थोड़ा समझ में आया सर, बट वो वही सिंपल सी बात चले। पब्लिक मैक्रो जो हम रिकॉर्ड करें या कोड करें तो जिस फाइल में करते हैं उसी फाइल के बैकग्राउंड में सेव होता है, समझ गए? और okay. इसको जो जो इस फाइल को एक्सेस करेगा वो सारे लोग इस मैक्रो को भी एक्सेस करेंगे। वो चीज क्लियर हुआ? यस, क्लियर हो गया सर। अभी उसके बाद जब तक ये फाइल ओपन है तब तक किसी भी फाइल पे वर्क कर सकता है। गॉट इट। तीन पॉइंट है, तीनों पॉइंट समझ में आ गया। पहला कि ये आपकी जो जिस फाइल में क्रिएट की गई है उसी फाइल के बैकग्राउंड में होगा। क्रिएट कैसे करेंगे? क्रिएट करने का पहला तरीका है रिकॉर्डिंग में जिस वर्कबुक को सिलेक्ट करना। दूसरा तरीका है आप डेवलपर में जाके, विजुअल में जाके मॉड्यूल्स ऐड करके मॉड्यूल्स में ऐड करना, ठीक है? जहां जहां मैक्रो हमारा जाएगा, जहां जहां हमारा मैक्रो जाएगा हर जगह पे हर कोई यूज कर सकता है मैक्रो, कोई भी हर कोई यूज कर सकता है, ठीक है? यूज मतलब कि यहाँ से इसको रन कर सकता है, आप कोड एक्सेस कर सकता है, वो डिपेंड करता है आपने अगर कोड में पासवर्ड लगाया नहीं होगा तो, जैसे कि VBA प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज में प्रोटेक्शन होता है, लेकिन पासवर्ड लगाने के बाद ही मैक्रो रन तो होगा। अब दूसरी बात आती है, वो आता है हमारा प्राइवेट मैक्रो। प्राइवेट मैक्रो के दो पार्ट होते हैं, पहला होता है हमारा पर्सनल मैक्रो। तो पहले हमने बताया आपको कि पब्लिक मैक्रो क्या हुआ, कि पब्लिक मैक्रो के अंदर अगर हम मैक्रो बनाते हैं तो उससे ठीक चलता है, लेकिन अगर मान लीजिए मुझे कोई एक्सेल के ऑप्शन जैसा बनाना, जैसे कि आप होम में होते हैं ना, आपको कॉपी पेस्ट हो गया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गया, या पिवट टेबल हो गया, ये चीजें क्या है, ये चीजें आपके एक्सेल की इनबिल्ड फीचर है ना, आप कभी भी रन कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको इसी के जैसा कोई मैक्रो बनाना है, कोई फॉर्मूले बनाना है, या कुछ कमांड बनाना है, कोई इंटरफेस बनाना है, तो प्रॉब्लम क्या होगी, अगर आपने पब्लिक में बनाया तो आपको पहले उस पर्टिकुलर फाइल को ओपन करना होगा, देन इसमें वर्क करेगा। प्रॉब्लम है ना जी? तो यहाँ पे पर्सनल मैक्रो इस चीज को रोकता है। पर्सनल मैक्रो में जब आप मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं, कोड नहीं किया सकता, कोड करने के लिए रिकॉर्ड करके ही कोड करेंगे ताकि पास जनरेट करेगा। तो अगर पर्सनल मैक्रो कोड करते हो तो ए इसकी जो कोडिंग है, रिकॉर्ड की कोडिंग, या फिर आपने जो एडिट किया है उसका कोडिंग ऑफिस लाइब्रेरी में सेव करता है, किसी फाइल के बैकग्राउंड में सेव नहीं करता है, नया पुराना वो कहाँ सेव करता है, ऑफिस लाइब्रेरी में। तो जब भी कभी अगर आपने ऐसा कर लिया तो रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक कीजिए, यहाँ से
माइक्रो लिस्ट पे क्लिक कीजिएगा तो हर माइक्रो लिस्ट के अंदर में आपको वो पर्सनल माइक्रो का माइक्रो शो करेगा, लेकिन वो सिर्फ आपके पीसी पर आपके आईडी पे। अगर आप किसी को फाइल मान लीजिए भेज दिए तो आपका फाइल जाएगा न कि माइक्रो जाएगा, क्यों? क्योंकि माइक्रो फाइल में है ही नहीं, वो तो एप्लीकेशन में है। कहाँ पड़ा हुआ? ऑफिस लाइब्रेरी। सुनना आ गया आपको पर्सनल माइक्रो? जी सर, क्लियर हो गया, थैंक यू। पर्सनल माइक्रो कब क्रिएट करते हैं? जब हमें ऐसा कोई फीचर क्रिएट करना है जो एक्सेल का पार्ट हो जाए। ध्यान रखिएगा, पर्सनल माइक्रो रिमूव करने में बहुत दिक्कत होती है, तो सोच समझ के इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। इसी का दूसरा पार्ट है इवेंट माइक्रो। अब आप पब्लिक माइक्रो हो या पर्सनल माइक्रो, आप जब इसको बनाते हैं तो उसको ट्रिगर करना पड़ता है, मतलब कि वहां माइक्रो लिस्ट में जाके उसको रन करना पड़ता है। बट इवेंट माइक्रो क्या होता है कि आपकी किसी पर्टिकुलर इवेंट पे वर्क कर जाता है। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि C3 पे मैं कहीं भी क्लिक करूँ वो एरिया कलर हो जाए, तो हमने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करके व्यू कोड में जाता हूँ, यहाँ से मैं लोकेशन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से एक्शन की क्या करने के बाद, क्या इवेंट होने के बाद, यूजर का किस एक्टिविटी के बाद हमारा माइक्रो रन हो, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सिलेक्शन चेंज आता है जब मैं सिलेक्शन चेंज करूँ। अब यहाँ पे मैं सिंपल सा लिख देता हूँ एक्टिव सेल डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू डीडी रेड, ओके। अब मैं कहीं भी क्लिक करूंगा, यहाँ क्लिक करूँ, यहाँ करूँ, यहाँ करूँ, यहाँ करूँ, हो रहा है, दिस इज द इवेंट माइक्रो। तो माइक्रो का टाइप समझ में आ गया, पब्लिक माइक्रो, प्राइवेट माइक्रो। प्राइवेट माइक्रो के दो पार्ट। अब इसमें इवेंट माइक्रो को प्राइवेट माइक्रो में क्यों रखा गया है? क्योंकि वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए वर्क करता है। जैसे आपने माइक्रो लाया कि लगाया कि बटन से क्लिक होने पर वर्क हो, तो उसी प्राइवेट ऑब्जेक्ट पे ही क्लिक होने पे होगा। हालांकि इसकी जो कोड होगा वो स्टोर होगा उस ऑब्जेक्ट के बैकग्राउंड में। अगर आपने बटन पे कोड किया है तो बटन के बैकग्राउंड में, अगर आपने सी पे कोड किया है तो सी के बैकग्राउंड में, अगर आपने फाइल पे कोड किया है तो फाइल के बैकग्राउंड में आपका वो सेव होगा, लेकिन वो रन होगा उसी इवेंट के अकॉर्डिंग और सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी और के लिए नहीं। जैसे कि हम C3 पे ही क्लिक कर रहे हैं तभी तो मेरा माइक्रो वर्क परफॉर्म कर रहा है, कलर करने का कोड परफॉर्म कर रहा है, C2 पे या C4 पे नहीं। तो टाइप ऑफ द माइक्रो समझ में आ गया आप लोगों को? डाउट? तो आप अपने काम के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे कि आपका कौन सा माइक्रो बना, ठीक है। डायवर्ट जी को डाउट इसमें? नहीं सर, क्लियर है। अनिल जी को डाउट लग रहा? अनिल जी आज रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। गणेश जी आप भी हैं सर, बट आपकी थोड़ा सा वॉइस ब्रेक हो रही है क्योंकि आपका इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है। नहीं, ओके, यहाँ तक तो ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम बात करते हैं माइक्रो कैसे बनाए। सबसे पहले बात हम जाएंगे इसमें, हम डिसाइड कर लेंगे कि आपको माइक्रो कौन सा बना। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं पब्लिक माइक्रो, इसको फिलहाल हम छोड़ देते हैं, ठीक है। हमें पब्लिक माइक्रो बनाना है तो हम विजुअल बेसिक पे जाते हैं और यहाँ से मॉड्यूल इंसर्ट करते हैं। और माइक्रो बनाने का तरीका है कि आप यहाँ पे सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं पब्लिक का, तो एक कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें सेम जैसे प्लस वन और वन में जो डिफरेंट होता है ना, वो डिफरेंट इसमें भी है। उसके बाद सब के बाद माइक्रो नेम। अब माइक्रो नेम लिखते समय इसकी ध्यान रखिएगा, जैसे आपने लिखा टेस्ट और आपने स्पेस करके टुडे दे दिया तो गलत है। माइक्रो नेम के बिटवीन ना कोई स्पेस होना चाहिए ना किसी तरह का स्पेस करेक्टर होना चाहिए, डॉट डैश कॉमा वगैरह नहीं होना चाहिए। हाँ, अंडर स्कोर ये एक्सेप्ट कर लेता है, देन यू कैन क्लोज दी ब्रैकेट और एंटर। अभी क्या हुआ कि जो भी हम कोड लिखेंगे हम इन दोनों के बीच में, तो माइक्रो नेम करते समय आप जो है कोई भी स्पेशल करेक्टर नहीं करेंगे। एक नाम के दो माइक्रो नहीं बन सकता है, एक नाम के एक ही, एक फाइल में एक ही नाम के एक ही माइक्रो होगा। उसके बाद आप इसमें 3 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नहीं रख सकते, जैसे कि राज 1,
ये नाम गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि राज वन नाम का ऑलरेडी रेफरेंस है, जैसे इस मैथड को रन करने जाएंगे इसकी जो राज वन रेफरेंस को लेके चला जाएगा। हेलो 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 अब यहाँ पे जैसे तीन डिजिट में होता है ना एक्स एफ डी, तीन लेटर करेक्टर होते हैं, तीन करेक्टर और न्यूमेरिक्स आप न डाले, अगर डालने पर भी रहा है तो बीच में अंडरस्कोर लगा दो, ये आपका नाम लिखने का मैक्रो नेम डिफाइन करने का मेथड है। तो मैक्रो नेम डिफाइन करने का मेथड समझ में आ गया, किसी को डाउट तो नहीं है? हेलो जी, नो डाउट सर। गणेश जी को डाउट है? निकिता जी, राहुल जी? नो सर। अब इससे आगे बढ़ते हैं, अब इसमें अगला टॉपिक यहाँ पे आता है कि कोड कैसे लिखे। देखिए यहाँ पे हर एक लाइन के लिए एक कोड होता है, अगर आपके पास कोई कॉलम है तो पहले उसकी एल्गोरिथम बनानी चाहिए। देखिए किसी भी प्रोग्रामिंग का एक स्टेप होता है, सबसे पहला होता है एल्गोरिथम। आप कॉलम को अच्छे तरीके से समझे, उसको एनालाइज करें, उसके बाद होता है इसमें एल्गोरिथम, क्योंकि आप उसका जो है उसकी एक एल्गोरिथम तैयार करें सॉर्ट, उसके बाद होता है कोड, उसके बाद होता है टेस्ट एंड उसके बाद रीटेस्ट, यहाँ पे रीकोड एंड रीटेस्ट। ये कब तक चलता रहता है? जब तक कि अच्छे से परफॉर्म न हो जाए, देन अप्लाई। ये किसी भी प्रोग्रामिंग प्रोग्राम को बनाने का स्टेप है कि पहले आप कॉलम को समझे, कॉलम क्या है, फिर उसके शॉर्ट एल्गोरिथम बनाए, देन उसकी कोडिंग लिखें, देन उसकी टेस्ट करें, तो एरर आती है तो रिकोड करें, फिर उसकी रीटेस्ट करें, जो फाइनल हो जाए देन अप्लाई करें। तो इसमें एल्गोरिथम एक बहुत बुरा भूमिका निभाता है। क्या है एल्गोरिथम? तो जो मान लीजिए कि मुझे एक सिंपल सा लिखना है कि नेम, रोल एंड मार्क्स, ओके, ये तीन चीज लिखना है। तो सर आपके लिए आप स्टार्ट, मतलब एल्गोरिथम आपको पहले तैयार करना होगा, स्टार्ट कोडिंग की नेम डिफाइन कर लिया आपने, मैथड डिक्लेयर कर लिया, उसके बाद सेलेक्ट ए वन, एंटर नेम, सेलेक्ट सी वन, एंटर रोल, सेलेक्ट सेलेक्ट सी वन, यहाँ पे सॉरी सी वन यहाँ होगा, यहाँ गलत होगा, और एंटर मार। अब ये यहाँ पे लिख लिया और इसे वन बाय वन इसी के देखे कोड होगा, क्योंकि एक स्टेप के लिए यहाँ पे एक ही लाइन लिखाएगा, जैसे कि सिलेक्ट ए वन, तो यहां से आप क्या करेंगे, लिखेंगे रेंज ए वन डॉट सिलेक्ट, दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, एंटर नेम, देन हम लिखेंगे यहां पे सिलेक्शन डॉट वैल्यू इक्वल टू, ऐसे आपका तीसरा चौथा भी हो सकता है। तो एक लाइन के लिए एक कोड होगा। अब यहां पे स्टेप फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि जैसे पहले सिलेक्ट करना है उसके बाद अगर कुछ लिखना है ना, एल्गोरिथम क्या होगा आपको बताएगा कि आपको पहले कौन सी लाइन लिखना है, पहले कौन सा लाइन तैयार करना है। आप बोलेंगे सर ये तो बच्चों वाली बात हो गई, हमें पता नहीं है यार कि पहले क्या करना है। ये तो छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिया है, जब आप ऑफिस में काम करेंगे तो इसलिए मान लीजिए कि आपकी जो फाइल है उसमें कैसे उस रिपोर्ट को बनाते हैं ये आपको आइडिया होगा। अब मान लीजिए मुझे गणेश जी ने मुझे बोला कि सर मेरे एक रिपोर्ट है उसको ऑटोमेट कर दीजिए, हम मुझे भैया रिपोर्ट आप बनाते कैसे हो, क्या कंडीशन है, तो मुझे बताएंगे सर मैं पहले फाइल डाउनलोड करता हूँ, फिर उसको ओपन करता हूँ, फिर उसकी डेटा कॉपी करके नई फाइल ले जाता हूँ, फिर डेटा के फलाना 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 कॉलम को डिलीट करता हूँ, मैं डेट का फॉर्मेट चेंज करता हूँ,
फिर उस पर पिवट लगाता हूँ, फिर पिवट में ये फिर लिखता हूँ, फिर मैं उस पर चार्ट बनाता हूँ, फिर उसको कॉपी करता हूँ, नेक्स्ट शीट पे डालता हूँ, फिर उसमें इसकी फॉर्मेटिंग करता हूँ, उसकी कमेंट करता हूँ, फिर उसको मेल कर देता हूँ। और क्या लग रहा है, इतनी सारी चीजें मुझे याद रहेंगी? पॉसिबल है सर? वैभव जी मुश्किल है सर। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उस सारे स्टेप्स को नोट कर लेंगे। नोट कैसे करेंगे, इस तरह से, इस क्वेरी से लिए, ताकि पता रहेगा कि पहले क्या करना है। अब ऐसा होगी, पहले आप डेटा को पहले पिवट लगा ले फिर डेटा कॉपी करें, ये तो गलत हो गया ना। पहले आपको डेटा कॉपी करके फिर पिवट लगाना था। तो ये एल्गोरिथम तैयार करेंगे तभी आप बना पाएंगे ना, और उसी हिसाब से यहाँ लाइनिंग डिफाइन होगा। अब मान लीजिए कि आपने ऊपर नीचे कोड कर दिया तो एरर हो जाएगा। अब एक बार में एक ही कोड में एक ही एक्शन होगा, दो एक्शन नहीं हो सकता। एक बार में एक ही एक्शन को मूव करता है एक लाइन अब दो, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन चलता है। पहले इसको चलेगा, फिर इसको चलेगा, फिर इसको चलेगा, फिर इसको चलेगा, इसको चलेगा, इसको चलेगा। अगर मान लीजिए कि इसमें यहाँ पे एरर आया, इसका मतलब है कि ये सारा स्टेप वो कर चुका है। अब यहाँ एरर आ गया मतलब कि इसके नीचे के स्टेप को उसने नहीं किया। समझ गए? और दूसरी चीज बात करते हैं कि हमने यहाँ पर रेंज लिया, सिलेक्शन किया, हाउ कैन डिसाइड कि यहाँ पर रेंज ही होगा या सिलेक्शन होगा? इसके लिए आपको आपको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल को समझना होगा। देखिए, आप जो इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश बोलते समय जो भी वर्ड यूज करते हैं उस वर्ड का एक क्या होता है, एक पार्ट ऑफ स्पीच होता है। उसमें मोस्टली वर्ड में, मोस्टली सेंटेंस में आपका जो है नाउन एंड प्रोनाउन फर्स्ट में आता है, वर्ब जो है वो मिडल में आता है, एडजेक्टिव बाद में आता है, होता ना सर? तो यहाँ भी सेम इसी तरह से एक तरह से लैंग्वेज ही है और हम एक्सेल के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। यहाँ भी एक क्या होता है, जैसे अगर रेंज की बात करें तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट का एड्रेस है, ये हमारा एक्शन, ये हमारा सिलेक्ट लोकेशन है, ये हमारी प्रॉपर्टीज है, ये हमारा प्रॉपर्टीज का सेट वैल्यू है। तो मेनली जो है चार मेन ऑब्जेक्ट है जिसके जरिए हमारा कोड स्टार्ट होता है, एप्लीकेशन, वर्क बुक, रेंज रेंज में शीट होगा आपकी शीट, ठीक है, ये चार मेन है। अब लोग सर यहाँ सिलेक्शन लगा लेते हैं, इन चारों के सब्स्टिट्यूट भी है। वर्कबुक है तो यहाँ पे एक्टिव वर्कबुक होगा, तो वर्कबुक से कर सकते हैं या एक्टिव वर्कबुक से कर सकते हैं, ऐसी शीट से कर सकते हैं या फिर एक्टिव शीट से कर सकते हैं, ऐसे रेंज से कर सकते हैं या सेल से कर सकते हैं, सेल से कर सकते हैं या एक्टिव सेल से कर सकते हैं या फिर सिलेक्शन से कर सकते हैं। ये सारा रेंज की कैटेगरी में ही आता है। तो अब आपको वन बाय वन इन सारे ऑब्जेक्ट को पढ़ना होगा, समझना होगा, लेकिन उससे पहले आप एल्गोरिथम बनाना सीखें। आपके पास ऑफिस में बहुत सारे ये होंगे, प्रोजेक्ट होंगे, उसकी जो है आप एल्गोरिथम बनाना सीखें, सीक्वेंस बनाना सीखें। ये हर आप ये पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि हम जो करना चाहते हैं उसके कितने पार्ट। मान लीजिए मुझे डेटा कॉपी करके पेस्ट करना है, तब वैसे कॉपी और पेस्ट नहीं, हमें पहले उस लोकेशन पे जाना होगा, लोकेशन को सिलेक्ट करना होगा, फिर कॉपी करना होगा, फिर पेस्ट वाले लोकेशन पे आना होगा, फिर जहां पेस्ट करना है वहां पे कर्सर रखना होगा, देन पेस्ट करना होगा। यही सारे स्टेप है सर। तो ये सारे स्टेप जो आप डिक्लेयर करेंगे उसकी भी उसके बाद ही आप प्रोग्राम कर सकते हैं। तो मेक सम एल्गोरिथम प्रॉब्लम या जो भी आपकी ऑफिस में रिपोर्ट बनती है, तो आज की क्लास में हमने बात की मैक्रोज के बारे में, हाउ कैन डिक्लेयर द मैक्रोज, हाइपरमराइज द मैक्रोज, हमने बात की टाइप ऑफ द मैक्रोज और किस मैक्रो को कहाँ कैसे यूज होता है, क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, उसके बारे में हमने जिक्र किया और हमने बात की एल्गोरिथम के बारे में। तो इससे आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, कुछ बनाइए और मुझे भेजिए। अगली क्लास में हम बात करेंगे आपके ऑब्जेक्ट के बारे में, जो कि एप्लीकेशन, वर्कबुक, शीट और रेंज, चार कैटेगरी की है। इन चारों कैटेगरी पे हम आपके साथ अगली क्लास में बात करेंगे।